हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं चले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जुलाई में आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम होगा। लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग सीटेट का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं आज हम लोग अपने चैप्टर 7 पर और देखते हैं चैप्टर 7 क्या कहता है। तो चैप्टर 7 हमारे आसपास के बाज़ार से संबंधित है, जो आप अपने बाज़ार की चीज़ें खरीदते हैं, लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ है, अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो उनको नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो अध्याय 7 हमारे आस पड़ोस के बाजार, ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप लोग इनको जो है समझिएगा। हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जी, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताब, कॉपी। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की घुमटी, साप्ताहिक बाज़ार या हाट, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बेचे जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं और ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, इन सब के बीच कैसे समस्याएं इनके सामने आती हैं। ठीक है, अभी आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें आप जो हैं क्या करते हैं, इसको मार्केट से ख़रीदते हैं। ठीक है, ये नीचे आपको देखिए मार्केट का चित्र दिखाया गया है, सब्जी वाला है और ये दुकान वाला है। ठीक है, और ये आपको दिखाया गया है बच्चे हैं, कहीं कपड़े की दुकान है, ये आपको खिलौने की दुकान है, ये ठीक है, ऐसे आपको दिखाया गया है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी अन्य जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ती दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसीलिए है कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाली कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इसकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग अलग कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उन्हें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को अधिक कीमत मांगता है और लोगों के पास यह विकल्प होता है कि अगली दुकान पर वह वही सामान देख ले जहाँ संभव है कि वस्तु कम कीमत में मिल जाए, ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों का एक बड़ा फायदा होता है कि ज़रूरत के सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब्जी, कपड़े, किराना का सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। ठीक है, अब आप जानते हैं मोहल्ले की दुकानें क्या हैं। हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार में हम कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल, हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, अब ये आपको चीज़ें दी गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इनको पढ़ा नहीं रहा हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस इन्हीं को देखते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती। हमारे पास जैसे डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले, अन्य खाद्य बाजार जैसे स्टेशनरी से व्यापारी से कागज़ कलम, फिर दवाइयों की दुकानों से दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी आपको दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं, हमारे घर के करीब होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे जो है किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदे हुए सामान का पैसा कल हम लोग दे सकते हैं। सामान के बाद भुगतान में भी वही करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। सुजाता उसका उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं, कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क के किनारे दुकानों में सामान सजा करके बेचते हैं। चलिए, शॉपिंग मॉल में चलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार
अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे, एक साप्ताहिक और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में इसकी बहुमंजिला इमारत वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। जैसे ये मॉल है, देखिए कहते हैं भैया नीचे बच्चों का सामान है, ऊपर बड़ों का सामान है, ऊपर किराना का सामान है, तो यही आपका एक ही जगह कई चीज़ें मिल जाती हैं। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिन कंपनियों के बड़े बड़े विज्ञापन देखकर क्वालिटी दावे करके बेचती है महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और विशेष शोरूमों के लिए बेचने में रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत बूस केवल लोग ही उठा पाते हैं। ठीक है, बाजारों की श्रृंखला की बात करते हैं। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लाते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों में सीधे सामान नहीं खरीदते। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी कम ही मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक या आप मतलब 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। ठीक है, ये लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी कौन होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता। जैसे किसान ने गेहूं पैदा किया तो ये है किसान और ये है आटा पीसने वाली चक्की। इसके बीच में गेहूं यहाँ से खरीद कर चक्की दिया और ये जो पहुँचा यहाँ आम आदमी के पास, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो वर्क करेगा वो व्यापारी होगा आम आदमी तक पहुँचने तक। ठीक है, पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में संख्या में सामान खरीदता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, वो बड़ी मात्रा में 25 से 30-100 किलो तक सब्जियाँ खरीद लेता, फिर उन्हें दूसरे व्यापारियों को बेचता है। और खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपके पड़ोस की दुकानों या साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता आपको मिल जाता है। ठीक है, हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरण से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की छोटी मतलब जो दुकान है या छोटा व्यापारी है जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से क्या करता है, वो खरीदता है। और हो सकता है कि बड़ा व्यापारी भी अपने बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा और थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता और उन्हें बड़े गोदामों में रखता। इस तरह से बाजार एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान को खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि क्या हुआ सामान किन किन के पास से होता हुआ हमें पहुंचता है। जैसे आपने एक पैकेट बिस्किट ले गया, अब आप ये नहीं समझेंगे कि बिस्किट की लागत कहाँ है, बिस्किट बना कहाँ है, कैसे श्रम लगा होगा, क्या क्या चीज़ें, बस आपको बिस्किट खाया और आपने काम ख़त्म। ठीक है, हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। बाजार अपनी जगहों और समय और अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार लोग यह भी आवश्यक नहीं होता कि हम सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुँच जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसे कंपनियाँ हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि नर्सिंग और होम मतलब और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता, जरूरी नहीं कि केवल बाजार की दुकानों में ही ऐसा होता है। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम होती है, लेकिन यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ों हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे किसान अपनी फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल, टंकियाँ, एक्सल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को देखते हैं। सभी चीज़ें जो बनाने और बेचने की एक ऐसी ही कहानी होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, बाजार और समानता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है।
और इसकी आमदनी भी क्या होती है, इसकी आमदनी भी अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। ऐसे बहुत से लोग जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति भी यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या कहाँ मतलब दुकानदार हो सकते हैं। ठीक है, हमें सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुँचने में बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों को बिकने से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, परंतु इसमें श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं। आगे एक कमीज की कहानी। इस अध्याय में हम केवल इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज, जिसमें साप्ताहिक बाजार क्या है, वे बाजार जो नियमित बाजार नहीं होते वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में एक या दो बार लगाए जाते हैं। इन बाज़ारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन। मॉल क्या होता है, यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारों का एक स्थान होता है। इसकी इमारत क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। इसमें कई मंजिलें दुकानें, रेस्टोरेंट और कभी कभी सिनेमाघर भी होते हैं। दुकानों में प्राय ब्रांड वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक क्या होता है, इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा खरीदना और बेचना है। अधिकांश उत्पाद जिसमें सब्जी, फल और फूल आदि सम्मिलित हैं, अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों की श्रृंखला यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से दूसरे बाजार में पहुँचते थे। ये थे आपके टॉपिक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।